नवापारा राजिम के ग्राम कुर्रा में एक राइस मिल द्वारा सरकारी नाले को अतिक्रमित कर उसे अपने उपयोग में लिए जाने का मामला सामने आया है। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब वर्तमान में इसी मिल के अंदर से गुजरने वाले नाले का मनरेगा के तहत काम होना था। यह भी पता चला है कि किसानों की सिंचाई के लिए बना यह नाला अब मिल के गंदे पानी की निकासी के लिए उपयोग में लाया जा रहा है। मनरेगा के लिए इस नाले हेतु 20 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। ग्राम के वार्ड क्रमांक 14-15 में मनरेगा के तहत 170 मजदूर काम कर रहे हैं। यह नाला अब मिल के क्षेत्र के भीतर है और इससे राखड़ निकालने का काम मिलर्स कर रहे हैं। प्रशासन की बेसुधी के चलते यह जगह जंगल का स्वरूप ले चुकी है, जिसे मनरेगा के तहत साफ सफाई की जा रही है। अतिक्रमण की वजह से नाला पूरी तरह से अपना अस्तित्व खो चुकी है, लेकिन मिलर्स मिल के गंदे पानी की निकासी का माध्यम बना हुआ है। प्रशासन की टूटी बेसुधी अब सवाल खड़े कर रही है कि जब इस नाले की देखरेख होती नहीं तो इतनी बड़ी राशि अतिक्रमित जगह पर राखड़ साफ करवाने के लिए सरकार क्यों खर्च कर रही है। क्या सरकारी नाले को अतिक्रमित कर लिया गया? इस मिल के अंतर्गत नाले का लगभग 200 मीटर क्षेत्र है, जो कि सगरी एग्रो इंडस्ट्रीज स्थापित होने के बाद कब्जे में आई है। जानकारी के अनुसार राइस मिलर्स का इस नाले के दोनों ओर जगह है, जिसके चलते उसने अपनी सुरक्षा की दृष्टि से इस नाले को अतिक्रमण कर बाउंड्री वॉल से घेर लिया है और तभी से इस नाले की कहानी पूरी तरह से मिल के अंदर खत्म हो गई। जब किसी भी प्रशासनिक नुमाइंदे व जनप्रतिनिधियों ने इस मामले पर ध्यान नहीं दिया तो मिलर्स ने भी इसका खूब फायदा उठाया। आज इस नाले में मिल का गंदा पानी भरा रहता है और राखड़ की मोटी परतें बिछी हुई हैं, जिसकी वजह से पानी निकासी का रास्ता बंद हो गया है। वर्तमान सरपंच गोवर्धन तारक के भागीरथ प्रयास से इस मिल के अंदर छुपे नाले में जब मनरेगा का कार्य प्रारंभ हुआ तब जाकर यह रहस्य उजागर हो पाया कि यहाँ पर 200 मीटर क्षेत्रफल का नाला भी गुजरा हुआ है। पटवारी अभिलेखों से पता चलता है कि इस नाले का निर्माण बांधा तालाब से बारिश के दिनों में किसानों को सिंचाई हेतु मदद के लिए बनाया गया था। यह नाला पूर्व में 7 से 14 फीट चौड़ा और 5 फीट गहरा था। वहीं इसकी कुल लंबाई 750 फीट से भी ज्यादा है। सही देखरेख के अभाव में नाले के आसपास के किसानों व कुछ मिलर्स ने इसे अतिक्रमित कर इसका स्वरूप बदल दिया है। किसी समय में अविरल बहने वाली यह नाली आज मृत प्राय हो चुकी है। विशेषकर इस नाले की बुरी स्थिति सगरी इंडस्ट्रीज के अतिक्रमित क्षेत्र पर हुई है। नाले के पटाव के चलते बारिश का पानी यहाँ से गुजर नहीं पाता है और पानी मिलर्स के बाउंड्री वाल के मुख्य द्वार के आसपास के खेतों में भर जाता है, जिससे किसानों की फसलें बर्बाद हो जाती हैं। इसकी शिकायत पूर्व में पटवारी और सरपंच से की जा चुकी है, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? किसने राइस मिलर्स को सरकारी नाले में बाउंड्री वाल बनाने का परमिशन दिया? मिल के अंदर नाली की समाप्ति का मुख्य जिम्मेदार कौन है? राज्य की भूपेश सरकार नरवा घुरवा गरुआ बारी योजना को बहुत महत्व दे रही है। ऐसे में ग्रामवासियों ने अब प्रशासन से मांग की है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, साथ ही मिलर्स को अतिक्रमण हटाने को कहा जाए, जिससे नाला अपने पुराने स्वरूप में लौट सके और इसका पूरा फायदा किसानों को मिले। किसानों ने बताया कि प्रतिवर्ष नाले से सिंचाई हेतु पानी लेने के बदले राजस्व विभाग को लगान देना पड़ता है, लेकिन आज सगरी एग्रो इंडस्ट्रीज सहित इस मार्ग के अन्य दूसरे राइस मिलर्स धड़ल्ले से अपने मिल के गंदे पानी को इस नाले में बहाते आए हैं, जिनका कोई भी भुगतान नहीं किया जा रहा है, जो कि पूरी तरह से किसानों के साथ अन्याय है। इस नाली का निर्माण सिंचाई के लिए किया गया था, ना कि मिलों के गंदे पानी को भरने के लिए। इस मामले पर भी ग्रामीणों ने कड़ी कार्रवाई करने के लिए शासन प्रशासन से गुहार लगाई है। नाले की वास्तविकता जानने के लिए हमने ग्रामीणों से बातचीत की। इस मामले पर जब हमने राइस मिल संचालक से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बात करने से मना कर दिया। वहीं सरपंच का कहना है कि मिलर्स को नाले में राखड़ व गंदा पानी नहीं बहाना चाहिए। पटवारी प्रियंका देवांगन ने वस्तु स्थिति की जानकारी देते हुए बताया कि ग्रामीणों की शिकायत पर इसे राजस्व अधिकारी से सीमांकन के लिए प्रेषित किया जा रहा है। नवापारा से डीएनएक्स टीवी के लिए विश्वेश्वर हिरवानी की रिपोर्ट। देखिए, यह नाले का ये बांधा तालाब और यहाँ से प्रारंभिक हिस्सा है। ये नाला बांधा तालाब और यहाँ से प्रारंभिक सीमा है इस नहर का। जो आपको आगे जो राइस मिल दिख रहा है, ये वो राइस मिल था जहाँ पे हम गए थे। यहाँ तक जाते जाते क्या स्थिति हो जाती इस नहर की आपने देखा है। देखिए, यह जो नाला है, सामने बांधा तालाब आपको दिख रहा होगा। ये इस बांधा तालाब से ये नाले के माध्यम से पानी जो है
नहर नाले के माध्यम से छाटा पानी यहाँ से जाता था। और ये देखिए, ये नाले का साफ साफ स्वरूप आपको दिख रहा है। यह नाला काफी चौड़ा था, लेकिन लगातार किसानों के द्वारा भी इसमें अपने खेतों को बढ़ाने के चलते ये पूरी तरह से चपेट में आई है और अपना स्वरूप खो चुकी है। और यहाँ से ये राइस मिल का वहाँ अंदर का हिस्सा है जहाँ पे ये नहर जाता है या नाली जाती है, लेकिन इस जगह से ही देख लीजिए किसी भी तरह से ध्यान नहीं देने के चलते ये पूरी तरह से यहाँ पे बंद हो गई। यही कारण है कि कुछ किसान बता रहे थे कि पानी जो है आगे जाता नहीं है और उनके खेतों का फसल नुकसान होता है। तो देख लीजिए साफ साफ, क्योंकि यहाँ से वो खाली जगह है जैसे खेतों में आसानी से पानी भर जाता है और फसल बर्बाद हो जाते हैं। ये वो राइस मिल है जिसके अंदर अभी हम लोगों ने आपको दिखाई तस्वीरें दिखाई है। इसी जगह से यहाँ पर पानी इस नहर से माध्यम से अंदर जाता है, लेकिन यहाँ से ही इसका मार्ग टूट गया है। दूसरी चीज, पानी अगर अंदर आती भी है, पानी यहाँ से अंदर जाने का जो रास्ता है आपको मैं दिखाना चाहूंगा। यहाँ से थोड़ा बहुत काम हुआ होगा तो यहाँ पे थोड़ा स्वरूप यहाँ पे दिख रहा है इस नहर का। और आगे आप देख सकते हैं कि यह वो कॉर्नर है जहां से इस मिल के अंदर यह नहर प्रवेश करता है, जो कि बेसरम से पटा हुआ है और भी दूसरे छोटे छोटे पौधों से पटा हुआ। ये वो भाग है या वो जगह है जहां से ये नहर इस मिल के अंदर प्रवेश करता है। और इस मिल के अंदर तो आपने देखा ही है कि किस तरह से ये पूरी तरह से पट चुका है, राखड़ यहां पर पटा हुआ है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि काफी दर्दनाक स्थिति में है। ऐसे में आप देखते हैं कि प्रशासन किस तरह से इस नहर को फिर से जीवित करने में क्या भूमिका निभाती है। यह जो नाला है, देखिए राइस मिल के बाउंड्री से बाहर निकलकर इस तरह से ये रूप ले चुका है। ये देखिए नाला कैसे, ये जो नाला जो किसानों के हित के लिए यहाँ पर पानी निकासी के लिए बना हुआ है, ये आज केवल राइस मिल का गंदा पानी निकासी का एक साधन बना हुआ है। देखिए किस तरह से यहाँ से बदबूदार गंदा पानी जो राइस मिल से निकलता है वो इस नाले से होकर आगे जो छाटा है गोबरा होते हुए उस रास्ते से जाता है। काफी दर्दनाक स्थिति में यह नाला है और पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। किसी भी प्रशासनिक अमले का इस पर कोई ध्यान नहीं। ये कुर्रा गांव के क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला ही नाला है। आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से अपना अस्तित्व खो चुका है। राइस मिल बनने के बाद किसी भी प्रशासन के नुमाइंदे ने या पंच प्रतिनिधियों ने जागरूकता नहीं दिखाई है, जिसका कारण ये था कि एक सतत वाहिनी नाले जो नाला है वो पूरी तरीके से रखड़ से पट चुका था। और आगे देख सकते हैं कि यहाँ से स्थिति इस पूरे नाले की बहुत ही खराब है, पूरी तरीके से राखड़ से पटा हुआ। जो राइस मिल है यहाँ से निकलने वाले राखड़ और गंदे पानियों से ये नहर भरा हुआ है। देख सकते हैं किसी भी सिंचाई अधिकारी प्रशासनिक नुमाइंदे किसी ने भी इसको ध्यान नहीं दिया है, जिसके चलते ये सरकारी नाला जो है राइस मिलर का अपना हो गया था, जहाँ से ये गंदे के पानी निकलती है राइस मिल का वो यहाँ से प्रवाहित होता है, देख सकते हैं आप। और इसके बाद इस नाले की अस्तित्व भी आगे आपको नहीं दिखाई दे रही है। इस मिल कैंपस का अंतिम छोर है। ऐसे ही बाउंड्री वॉल जो इस तरफ से शुरू हुआ है प्रारंभिक में, वहां का स्वरूप देखिए इस तरह से पूरे कैंपस के अंदर ध्यान न देने के चलते यहाँ पर पूरे नाले का स्वरूप खत्म हो चुका था, जिसे भी वर्तमान सरपंच द्वारा फिर से नए रूप देने का प्रयास किया जा रहा है और यहाँ पर काम चल रहा है। देख सकते हैं ये वो अंतिम जगह है नाले का। इसका प्रारंभिक छोर कहाँ है इसका भी हम पता नहीं लगा सकते। किस तरह से यह बाउंड्री वॉल होने के बाद इस नाले का अस्तित्व पूरी तरह से समाप्त हो गया था, और इसकी जानकारी मेरे हिसाब से किसी भी प्रशासनिक
नुमाइंदे पंच प्रतिनिधियों को नहीं होगी। एक जागरूकता की पहल वर्तमान में सरपंच गोवर्धन तारक जी के द्वारा की जा रही है, जिसके चलते यहाँ पर अभी गोदी काम चल रहे है और दो दिनों में फिर से वापस मूर्त रूप हो चुकी इस नाले को फिर से जीवित करने का प्रयास ग्रामवासियों के साथ मिलकर किया जा रहा है। यह काफी अच्छी पहल है, लेकिन यहाँ पूरी तरह से देख सकते हैं कि राइस मिलर द्वारा राइस मिल के अंदर से गुजरने के बाद इस नाले का अस्तित्व पूरी तरह से खराब हो चुका है। गांव के वरिष्ठ यहाँ पर हैं, ग्रामीण हैं, और ये जानते हैं इस नाले के बारे में पूरे। जी बताइए, किस तरह का पहले नाला दिखता था, कैसा रहता था? बहुत बड़ा जगह था सर, और इसमें ग्वाल वालों ने यहाँ गरवा चराते थे, वर्दी घूस जाते थे यहाँ से वहाँ, जहाँ तक हमारे गांव की सरहद है जी, या पड़ोसी गांव की सरहद तक पूरा गरवा चढ़ता था। अभी कैसी स्थिति है? आज की स्थिति बहुत तो गंभीर है सर, कांटा नाली से बेहतर हो गया है जी। आपको ऐसा लग रहा है कि पानी यहाँ से निकल जाता रहा होगा? आपको लग रहा था कि पानी यहाँ से निकल जा रहा होगा, जैसे नाली इसे नाले से पानी आता रहा होगा, तो ऐसा लग रहा है कि इस स्थिति को देखकर यहाँ से पानी निकल जाता रहा होगा? दिक्कत से निकलता था जी, तो इसका नुकसान किसानों को बहुत नुकसानी करना पड़ता था। मतलब यहाँ कभी धान उफल के आ जाए, खिला के गल जाए पानी में। चलिए ठीक है, आपका नाम बताइए। मोन्ना बलदेव राम साहू के ग्रामीण हैं और वो हमें पूरे इस नाले के बारे में जानकारी बताएंगे। जी बताइए। 15 फीट नाला रही से चौड़ा जी, 5 फीट गहरा रही से, और आज ये पूरा राखड़ से राइस मिल के नाम से दबे हुए पड़े। अभी तक आप लोगों किसी भी जनप्रतिनिधि ने शायद इस ओर ध्यान नहीं दिया होगा, जिसके चलते ऐसी चल रही काम जी, और चल चुके। तो ऐसी कैसी स्थिति हो जा रही की पूरे पट जा रहा है? पट जा रहा है राइस मिल के राखड़ से पट रहा है, सामने बाउंड्री घेरा कर दिया है जी, घेरा कर दिया जी। हाँ, उस दिन पानी का निकासी नहीं है, पूरा राखड़ पानी मिल के यही मावा जी। हाँ। मतलब कहना है कि पहले ये नाला जब आप थे तो आपकी जानकारी के हिसाब से बहुत चौड़ी थी, बहुत गहरी थी। हाँ, आज ऐसी जी। हाँ। आपका नाम बताइए। राजेश कुमार साहू। जी बताइए, आज जो मनरेगा काम चल रहा है इस नाले को लेकर यहाँ पर बताइए। हाँ, तो 2 दिन हुआ इधर, 14-15 वार्ड को यहाँ पे भेजा है जी, सरपंच और रोजगार साहब लोग जी। पहले कैसा था अस्तित्व इस नाले का और अब कैसे हो गया है? अब तो सब ठीक ही रहा 2 दिन में जी। जैसे पहले कैसे लग रहा था? अब पहले पूरा जंगल जैसा था यहाँ पे। आपको लगता था कि यहाँ से पानी निकासी हो जाती रही होगी पहले? हाँ, पहले निकासी हो रहा था पानी यहाँ से जी, सीधा इधर का नाला जो है नहीं जी, इधर से जो पानी खेत में होते हुए पूरा नदी में जा रहा था पानी। आज जब आप लोगों ने काम शुरू किया 2 दिन पहले, तब इसकी अस्तित्व तो कैसा था? यहाँ पे पूरा जंगल जैसा हो गया। गहराई कैसी थी कि बराबर हो गया था? गहराई थोड़ा सा अभी किए है, गहराई आधी का जो है ना गहराई जी, इसका लेवल में था जी जी, लेवल जी था। मतलब पूरी तरीके से पट चुका था, जिसे आप लोग अभी फिर से एक नया संवारने का काम कर रहे हैं जी। आपका नाम? राजू साहू। आइए कि ये जो नाला आज यहाँ पे काम चल रहा है, नाला में मनरेगा का, तो ये हमारे 20 साल पहले से हम जानते तो है यहाँ नाला था जी, हमारे जानती में जी, और ये नहर का पानी तालाब से सीधा छाटा होते हुए इधर चलता है नावा गांव, और ये अपन नदियाँ जाता है पानी। आज आप यहाँ पर जब आए तो नाले की स्थिति कैसी थी? नाला दिख रहा था कि पूरा बराबर हो चुका था? पूरा बराबर हो चुका था, ढका हुआ में तो ये। अच्छा, मतलब ये कह सकते हैं कि पूरा इसका अस्तित्व खत्म हो चुका था। हाँ जी। आपका नाम बताइए। रामू विश्वकर्मा। हमारे साथ यहाँ पर कुर्रा गांव के एक ऐसे ग्रामीण हैं जिनके नाले की नाले ये जो नाला दिख रहा है, इस खेत के पीछे इनका खेत है, इस नाले के पीछे, और पानी जो है नहीं आ पाती शायद इसके कारण खेत की क्या प्रॉब्लम होती है खेत में उपज को लेकर जानते हैं। जी बताइए, क्या कहना है आपको? हमारे खेत की पानी निकासी नहीं होती है, टूटी और भर जाती है, पूरा नाला फटा गया है, इसमें हमारे किसान किसान मेरा बहुत तकलीफ होता है। इस नाले के पीछे आपका खेत है? हाँ। तो पानी से आप कहना है कि पानी जाम हो जाता है जनरली? हाँ, जाम, क्योंकि यहाँ पे नाले के पटाव होने से पानी बाहर नहीं जा पाती। हाँ, हाँ। जी, तो आप क्या चाहते हैं? नाली को बढ़िया साफ करी, चौड़ा करी जी। ठीक है, आपका नाम बताइए। हमारे साथ कुर्रा गांव के सरपंच है जिनके प्रयास से, भागीरथ प्रयास से यह नाला को भी सींचने का काम शुरू हुआ है, नाला को फिर से जीवंत रूप देने का काम शुरू हुआ है। जी सरपंच जी, बताइए किस तरह से आप यहां पर काम करा रहे हैं?
काम तो कल से चालू किए, रोजगार घंटे का काम, मरेगा का काम, इसमें 20 लाख स्वीकृति हुआ है जी। तो बांधा तालाब से हाउसिंग बोर्ड तक जाना है, नाला बनना है जी, और इसमें 20 लाख का काम कराना है जी। और इसका नाला का सेतु तो पहले खत्म हो चुका था जी, अब मैं सरपंच बनने के बाद मैं आग दिखा नाला तो पानी निकासी नहीं हो पा रहा था जी। तो किसान लोग चिल्ला रहा था, तो उसको मैंने प्रस्ताव पास करा कर काम को पानी निकासी के लिए अपने प्रयास किया हूँ जी। और आगे मतलब गुरु जी इंजीनियर को बुला कर उसको दिखाया नाला को जी, और उसके बाद उसको प्रस्ताव पास करा कर जी, प्रस्ताव पास करा कर ला के दिया जी। उसके बाद मैंने अपने काम चालू करा हूँ। उसके बाद सागरी मिल वाले मुझे बुलाए और उसको बोला मैं सागरी मिल वाले को जी, नाला को अब खड़ दर्द गंदा पानी नहीं बहाना, साल को खिला रहा है जी। और उसके बाद जो आपको बोला मेरा जमीन दोनों पार है, अब उसको उस पार जाना है, जब मैं बोला उसको कि अपना जमीन उस पार जाना है तो अपना पुलिया बना लेना, अब पुल बना के उस पार चले जाना, नाला को नहीं पाटना है ऐसे ऐसे जी। अभी अभी हमने भी देखा कि नाले की आगे की स्थिति बहुत ही खत्म हो चुकी है इस बिल्डिंग के अंदर में, इस कैंपस के अंदर, इस राइस मिल कैंपस के अंदर। आप क्या चाहेंगे कि वो स्थिति बराबर बनी रहे, अविरल बहती रहे, अगर नाला रहे, क्या चाहेंगे किस तरह से? तो नाला तो बना रहेगा और पानी तो बहते रहेगा जी, उसको तो मैं नहीं रोकूंगा पुलिस से जी, किसी का निस्तारी का काम है मैं नहीं रोकूंगा जी। जो अपना जो पास हुआ है अपना काम करा सकते थे, जो सागरी राइस मिल वाला सर बोला है जी, बोला शास्त्री नाला में कोई आपत्ति नहीं, अपना काम करा सकते। तो ये नाले का स्वरूप किस तरह के ऐसे खत्म क्यों हो गया था? अब सर इसमें कोई ध्यान नहीं देते थे, मेरे पहले और 4-5 लोग सरपंच बना था जी, सरपंच ने ध्यान नहीं दिया हाँ। जो पूर्व में सरपंच था जी, तो सरपंच ने लिख पढ़ कर दे दिया, ईश्वरी सरपंच जी, जो 10 साल के पहले ईश्वरी सरपंच था ना जी, वो इसमें लिख पढ़ के दे दिया कि आप नाला में हमारा कोई प्रकार के कोई प्रकार के हमारा परेशानी नहीं है, आप नाला में काम करा सकते हो, आपका है पंचायत से कोई आपत्ति नहीं मिली जी, लिख पढ़ के दे दी, इसी कारण उसका पानी आना जाना बंद हो गया जी।